गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना खूब सारा ध्यान भी रख रहे होंगे। हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी और पता नहीं, शायद मैंने पहले आपके साथ ये शेयर किया है कि नहीं, कि मैं एक अपना छोटा बिजनेस रेस्टोरेंट भी घर से ऑपरेट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं कैसे किस तरह अपने घर के काम करने के साथ साथ किस तरह से फूड प्रिपेयर करती हूँ, पैक करती हूँ और किस तरह से डिलीवर होता है फूड। और इसके अलावा मैं एक रेसिपी, डिनर रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस सीज़न जो भी मैंने ये अचार बनाया है उसको मैं किस तरीके से धूप में रखती हूँ। ये पूरे दिन धूप में रहता है, अब शाम का टाइम होने वाला है और मुझे बाहर भी जाना है, इसलिए सबसे पहले मैं इसे अंदर रखूंगी, फिर किचन में चलते हैं और चाय बनाते हैं। फटाफट चाय बना लेते हैं। और इधर मैंने मखाना रखा हुआ है, इसको भी मैं रोस्ट कर लूंगी अभी चाय के साथ खाने के लिए और साथ में कुछ पॉपकॉर्न भी बना लेंगे। इसके बाद हमें मार्केट भी जाना है और आने के बाद हमें पहले कस्टमर का डिनर प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं अपने खुद के लिए भी डिनर रेडी करूंगी। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। मखाना को मैं ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ, इसके अंदर कोई घी या ऑयल नहीं डाला है। ये देखिए हमारा मखाना और पॉपकॉर्न रेडी है और चाय भी ऑलमोस्ट डन है। बस लास्ट में जैगरी पाउडर ऐड करना है, क्योंकि मैं शुगर ऐड नहीं करती इसलिए इसको लास्ट में करते हैं। और फिर मिलते हैं चाय पे आपसे, सब भी हमारे साथ चाय पिए। यहाँ पे मैं चिकन लेने आई हूँ। हम लोग ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते हैं, फ्रेश खाना पसंद करते हैं। तो चलिए पहले चिकन लेते हैं। देखिए कितना फ्रेश है इनके पास शाम के टाइम पे। दिया कर लेते हैं, शाम का टाइम हो गया। घर सबसे पहले मैं अपने लिए एक ग्रीन टी प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक तरफ राजमा रख दूंगी, दूसरी तरफ राइस, और मैं इधर स्प्राउट सैलेड की तैयारी कर लूंगी और उसके बाद मुझे भरवा करेला भी बनाना है। ये सारा ऑर्डर मुझे बाहर के लोगों के लिए, उसके बाद मैं अपना खाना प्रिपेयर करूंगी जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट काम पे लग जाते हैं। कि इसमें राजमा मैंने प्रिपेयर करके ऑलरेडी पैक कर दिया हुआ है, इधर मैंने राइस रख रखा है और इस तरफ स्टफ्ड बीटर गोट भरवा करेला, ये रेडी हो रहा है। फिर इन सारी चीज़ों को पैक करना है, उसके बाद मैं स्विगी के थ्रू इन सब का डिलीवरी करवाती हूँ। राजमा की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से पैकिंग करती हूँ। पैकिंग करने के बाद ऐप पे स्विगी जिन्हें बुक करती हूँ और वो आकर के फूड पिक करता है और फिर डिलीवर कर देता है। तरीके से मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी हैं और अब मैं इसको कैरी बैग में डालूंगी और इन द मीन टाइम मैंने स्विगी बुक कर दिया, वो भैया आते ही होंगे और इसको डिलीवर कर देंगे। और जो लोग मेरे सोसाइटी में रहते हैं इधर, वो मेरे घर आकर पिक कर लेते हैं या नहीं तो मेरी हाउस हेल्प मेरे सिक्योरिटी गेट पर रख देती है, वो वहाँ से पिक कर लेते हैं अपना फूड। ये चिकन है जो अभी मैं लेकर के आई, इसको पहले मैं वॉश कर लेते हैं। इसके बाद धोने के बाद इस चिकन में थोड़ा सा मैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, बिल्कुल ये देसी स्टाइल, देसी अंदाज से ये मैं चिकन कड़ी प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो, और उसके बाद ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है हमारे पास जो मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ,
वो एक चम्मच भर के इसके अंदर डालेंगे। अब इन सारी चीजों को हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस ये भी इसमें डालेंगे और फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके हम एटलीस्ट 30 मिनट्स रख देंगे। उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तब तक हम इधर अपना कटिंग चॉपिंग करते हैं। देखिए हमारा प्याज इधर कट चुका है। हमारे पास 500 ग्राम हाफ केजी के लगभग चिकन था, तो हमने 250 से 300 ग्राम प्याज लिया हुआ है, उसको हमने बारीक बारीक कट कर रखा है। एक ये लहसुन है जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है और ऊपर से पील किया है, इसको बिल्कुल ऐसे साबुत ही रखना है हमें। इधर मेरे पास 5 से 6 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक है, इसको मैं इधर इसमें क्रश कर लूंगी। मैंने पैन रख दिया है और गैस ऑन कर दिया। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मैं मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग करूंगी। आप चाहें तो रेगुलर ऑयल में भी कुक कर सकते हैं या देसी घी में भी कर सकते हैं, बट रस्टिक फ्लेवर के लिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ। मस्टर्ड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जैसे तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, जीरा और एक बड़ी इलायची, मोटी इलायची होता है, उसको आप क्रश करके खोल लें। इन सारी चीजों को हम पहले ऑयल में डालेंगे। हमारा तड़का अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें जो हमारा ये प्याज कटा हुआ था वो उसको ऐड करेंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जितने अच्छे से आप अपना प्याज फ्राई करेंगे आपका कढ़ी उतना ही अच्छा बनेगा। प्याज हमारा भुन रहा है, इस स्टेज पे जो हमने ये अदरक और लहसुन को क्रश किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तक इधर हमारा प्याज पक रहा है, हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून ये मीट मसाला, ये मेरा घर पे बना हुआ है, मैं किसी दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये नॉर्मल चिली और ये कश्मीरी रेड मिर्च, ये इससे कलर और फ्लेवर दोनों ऐड होता है, ये तीखा नहीं होता है। और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी भी मिक्स करूंगी क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ था। सॉल्ट मैं अभी नहीं डालूंगी, सॉल्ट मैं एंड में डालूंगी, अदरवाइज वो भूनते टाइम पूरा बिखर जाता है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा, हाफ। पानी डाल के इन सबका एक पेस्ट बना लेंगे। और इसको साइड में कर देंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून रहा है, 1-2 मिनट हम और भूनेंगे, उसके बाद हम अपना चिकन इसमें ऐड करेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, अब हम इसमें अपना ये चिकन का पीस ऐड कर देंगे। और 1-2 मिनट तक इसे पहले हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। जो हमने लहसुन ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। पांच से सात मिनट ये भून चुका है, अब ये हमारा जो मसाला है हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट फ्राई करना है। अब जितना अच्छा फ्राई करेंगे आपका चिकन करी उतना ही अच्छा तैयार होगा।
बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। धीमी आंच पे हमें इसे फ्राई करते रहना है। जब तक इधर फ्राई हो रहा है, मैं आपके साथ फटाफट लच्छा प्याज की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को ऐसे राउंड राउंड कट कर रखा है। अब इसको हम ऐसे खोल लेंगे, इस तरीके से देखिए। इसके बाद इसमें सबसे पहले लेमन जूस, नींबू का रस ऐड करेंगे, चाट मसाला, नॉर्मल नमक, थोड़ा सा काला नमक ब्लैक सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर लीव्स। अब इन सारी चीजों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। पास से दिखाती हूँ। अभी हम और इसे एटलीस्ट 8-10 मिनट और फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी और इसमें और फिर सॉल्ट ऐड करूँगी। ये भुन चुका है, अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी, उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर दूँगी और प्रेशर कुकर का ढक्कन मैं नहीं लगाऊँगी, बस ऐसे ही इसे कवर करके 10 मिनट कुक करूँगी। तरीके से मैं इसे कुक कर रही हूँ। 8-10 मिनट के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, क्योंकि ये भुनते भुनते ऑलरेडी ये पक चुका था। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती और गरम मसाला ऐड करूंगी। मैंने ऐड कर दिया, अब मैं मिक्स करके वापस से इसे कवर कर दूंगी। इस बीच मैंने अपने लिए फुलका भी रेडी कर लिया। अब मैं सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी, मेरे हस्बैंड मांग रहे हैं, उनको मैं ब्लैक कॉफ़ी दूंगी, फिर मैं पूरा किचन क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं थोड़ा बैठूंगी। ये जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, ये मेरा शाम के 4:30 से लेके अभी 8:45 हो रहा है, तब तक का मैंने रूटीन शेयर किया और इस बीच मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ। कंटिन्यूस एक के बाद एक मैं काम कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द आप सभी से मिलूंगी फिर किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। सो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।